दोस्तों होमगार्ड से संबंधित देश के अलग अलग राज्यों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अनिल कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र रिलीज किया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ है प्रेषक अनिल कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनांक सितंबर 2019। विषय दिया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/7/2019 के क्रम में होमगार्ड स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के समान किए जाने के संबंध में महोदय उपायुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विशेष अपील संख्या लिखी हुई है यहाँ पर में पारित आदेश 6/12/2016 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुभाग याचिका यहाँ पर लिखी हुई है में पारित आदेश दिनांक 30/7/2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 6/12/2016 से होमगार्ड स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम मासिक वेतन ₹18,000 के आधार पर प्रतिदिन ₹600 एवं इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ते का नगद भुगतान 1/7/2019 से किया जाएगा। एरियर के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या 74 के लेखा शीर्षक 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं आयोजनेतर 107 होमगार्ड 03 सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02 मजदूरी के नामे डाला जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 12/7/2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं। भाव दिए अनिल कुमार प्रमुख सचिव। दोस्तों यहां पर क्लियर किया गया है कि जो होमगार्ड का भत्ता होने जा रहा है वो 600 प्लस महंगाई भत्ता होने जा रहा है, यानी कुल मिलाकर ₹672 होमगार्ड को मिलेंगे और ये 1/7/2019 से लागू होंगे। इसके अलावा इनका एरिया जो है वो 6/12/2016 से दे होगा। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या आपके हिसाब से होमगार्ड को मिलने वाला ये वेतन वाकई में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक है या फिर नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के होमगार्ड्स को लेकर। निदेशालय महानिदेशक गृह रक्षा राजस्थान यहां पर एक आदेश पारित किया गया दिनांक 19/9/2019 को। नीचे की तरफ लिखा हुआ समस्त गण समादेष्टा गृह रक्षा दल राजस्थान समस्त समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान। दोस्तों चलिए आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ। विषय दिया हुआ है गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन में रोटेशन प्रणाली के संबंध में संदर्भ मुख्यालय के पत्रांक, यहाँ पर पत्रांक नंबर दिया हुआ है दिनांक 24/5/2019। उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन अवसरों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मांग के अनुरूप स्वयं सेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एवं रोटेशन प्रणाली बनाए रखने के लिए रोटेशन प्रणाली के अंतर्गत यदि उपकेंद्रों के स्वयं सेवक बिना यात्रा भत्ता विराम भत्ता के ड्यूटी करने हेतु तैयार होते हैं तो उनसे संपर्क परेड के दौरान लिखित सहमति प्राप्त की जाकर रोटेशन ड्यूटी पर लगाया जा सकता है तथा रोटेशन के दौरान महिला स्वयं सेविका की ड्यूटी आने पर उन्हें भी रोटेशन अनुसार ड्यूटी पर नियोजित किया जाए। अति महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर दिनांक दी हुई है 20/9/2019। नीचे की तरफ लिख दिया गया है कि ये प्रतियां किस किस को भेजी गई हैं। दोस्तों यहां पर रोटेशन प्रणाली को लागू करते हुए होमगार्ड की ड्यूटी लगाने के मद में ये आदेश पारित किया गया है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको एक साल में कितनी ड्यूटी मिल पाती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के बोकारो से। वरीय अधिकारियों से गृह रक्षक परेशान। झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ जिला शाखा की बैठक नया मोड़ में प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई। मौके पर उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों से गृह रक्षक परेशान हैं। अगर वरीय अधिकारी गृह रक्षकों को इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो गृह रक्षक डीसी कार्यालय के समक्ष धरना देने को मजबूर होंगे। मौके पर कई होमगार्ड मौजूद थे। दोस्तों बहुत ज्यादा अफसोस की बात है लगातार वरीय अधिकारियों द्वारा होमगार्ड्स को परेशान किया जाता है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके अपने आकार बताइए क्या आपके अभी आपके जो वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपको परेशान करते हैं या फिर नहीं करते, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चले चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के जयपुर से। अतिरिक्त 1250 शहरी होमगार्ड के नियोजन को मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सुगम यातायात व्यवस्था एवं रात्रि गहन गश्त सुनिश्चित करने के लिए 1250 अतिरिक्त होमगार्ड के नियोजन के लिए 15,75,00,000 रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जयपुर शहर में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए 500 नए विकसित रिहायशी इलाकों में रात्रि गश्त के लिए 500 अतिरिक्त होमगार्ड, जबकि जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में रात्रि गश्त के लिए 175 एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए 75 होमगार्ड 31 मार्च 2020 अथवा प्रशिक्षित कांस्टेबल उपलब्ध होने तक नियोजित किए जाने हैं। दोस्तों अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान से। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1250 अतिरिक्त होमगार्डों के नियोजन के लिए मंजूरी दे दी है और यहाँ पर इनके लिए 15,75,00,000 रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों अब आपको कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको साल में कितने दिन ड्यूटी मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन ने रखी मांग, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की मासिक बैठक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पाठक की अध्यक्षता व संचालन अशोक राम के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न कंपनियों के होमगार्डों की समस्याओं पर मंत्रणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पाठक ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया था कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जिस पर विभाग के उच्च अधिकारी व सरकार द्वारा ढुलमुल रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एसोसिएशन ने अपना रास्ता संघर्षों के बल पर तैयार किया है, अगर न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार ने उदासीनता दिखाई तो हम मुखर होने को तैयार हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। इसके अलावा जिला कमांडेंट होमगार्ड के इशारे पर बीओ द्वारा जवानों से मनमाफी ड्यूटी के नाम अवैध वसूली की जा रही है। जब जवान पैसा नहीं देने की बात करते हैं तो उन्हें विभाग से निकालने की धमकी दी जा रही है। वहीं मुबारकपुर थाने पर तैनात एक एसएसआई द्वारा जवानों से सरकारी कार्य के अतिरिक्त जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा है, उस उत्पीड़न को एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अवसर पर राकेश शुक्ला, मर्यादा यादव, राधेश्याम राव, हनुमान पाल, अनिल यादव, रामचंद्र यादव, राम आश्रय मौर्य, उमा शंकर राजभर, मनोज यादव, सुधीर तिवारी, अरविंद, रमेश यादव, राम प्रकाश वर्मा, विजय पांडे, रूपचंद्र राम आदि मौजूद रहे। दोस्तों लगातार होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश शासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार होमगार्ड के वेतन को बढ़ा दे और एरियर का भुगतान कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। जैसे ही कोई नया आदेश निकल कर आएगा मैं कोशिश करूंगा कि उसका अपडेट आपको सबसे पहले दे सकूं। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है चंडीगढ़ से। मैस में खाना अच्छा न मिलने पर तकरार, रसोइये ने होमगार्ड पर हमला कर तोड़ी बाजू। गांव सुंडरा स्थित पंजाब होमगार्ड प्रशिक्षण सेंटर में खाने की गुणवत्ता संबंधी आवाज उठाने को लेकर होमगार्ड के जवानों और मैस कर्मियों के बीच तकरार के चलते प्रशिक्षण सेंटर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशिक्षण सेंटर में तैनात 10 होमगार्ड के जवानों ने मैस में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए घपले का आरोप लगाए हैं। जवानों के अनुसार मैस में काम करने वाले रसोइये ने मैस के अन्य कर्मियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। इसमें उनके एक साथी संजय कुमार का हाथ टूट गया। वहीं होमगार्ड का आरोप है कि जख्मी जवान को अस्पताल में ले जाने वाले अन्य जवान को बिना वजह सस्पेंड किया गया। गुरचरण सिंह, संजय कुमार, मंजीत सिंह, अनिल कुमार, स्वर्ण सिंह, जयबीर सिंह, मंजीत सिंह, अशोक कुमार, मुल्कराज, नरसिंह ने बताया कि दिसंबर 2018 में वह करीब 128 एसपीओ के साथ यहां ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिसमें से उन 10 जवानों को रख कर बाकियों को अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया गया था। वह सभी यहां बतौर गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं और उनको मिलने वाले खाने की क्वालिटी घटिया होने पर जब उन्होंने इस संबंध में आवाज उठाई तो कुछ अधिकारियों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने मुबारकपुर पुलिस को सूचना देने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और होमगार्ड प्रशिक्षण सेंटर में भी उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने सतपाल सिंह की पहले बदली कर दी और अब उसे सस्पेंड करने के हुक्म जारी कर दिए। दूसरी तरफ पंजाब होमगार्ड प्रशिक्षण सेंटर के कमांडेंट गुरलभदीप सिंह ने कहा कि उक्त जवान झूठ बोल रहे हैं। सतपाल सिंह के बुरे व्यवहार और आदेशों का पालना न करने के चलते विभागीय कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि यहां करीब 130 मुलाजिम हैं और इन 10 जवानों ने बिना वजह माहौल खराब किया हुआ है। मुबारकपुर पुलिस चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने कहा कि
की रसोईये और घायल जवान के बयान दर्ज कर डीए लीगल के पास राय लेने के लिए फाइल भेजी हुई है। रिपोर्ट आने पर बनती कार्रवाई कर दी जाएगी। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड हैं, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।